हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो पे मैं बताने वाला हूँ होंडा SV125 के बारे में। ये है न्यू मॉडल होंडा SV125 का सबसे अभी लेटेस्ट मॉडल, जो कि अभी अभी लॉन्च हुई है। तो इसके बारे में पूरा फाइनेंस डिटेल बताने वाला हूँ। अगर आप इसे फाइनेंस पर लेना चाहते हैं इस बाइक को, तो इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो पर देने वाला हूँ। वीडियो पूरा ज़रूर देखना। और इसका ऑनरोड प्राइस कितना पड़ता है, इसमें डाउन पेमेंट कितना देना पड़ेगा, फाइनेंस की ब्याज कितना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट, और इसमें आपको कितना कितना एक्स्ट्रा मनी देना पड़ेगा, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो पे देने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखना। और ये है होंडा की सबसे बेस्ट सेलिंग बाइक में से एक, और 125 सीसी के सेगमेंट में भी ये सबसे टॉप सेलिंग बाइक में से एक मानी जाती है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में छोटी सी जानकारी। इसमें लगा है 124 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन फ्यूल इंजेक्शन वाला सिस्टम के साथ आती है ये बाइक। इसमें पावर की बात करें तो 10.7 HP का पावर 7500 RPM पर मिलता है, और टॉर्क जनरेट करता है 10.9 Nm का टॉर्क जनरेट करता है 6000 RPM पर। और इसमें आपको माइलेज मिलेगा जो कि सबसे बेहतरीन माइलेज मिलता है, 60 से 65 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज जो कि कंपनी क्लेम करती है। और ये बाइक में इतना माइलेज मिलता ही है, जो कि देख सकते हैं हम लोग अभी अभी इस बाइक को ख़रीदे हैं। एक मेरा दोस्त है जो कि इस बाइक को अभी अभी ख़रीदा है, 2 दिन ही हुआ है। इसमें आपको 11 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलता है, जो कि E20 पेट्रोल को सपोर्ट करता है, जो कि अपडेट मॉडल है, जो BS7 के रूप में आती है ये बाइक। तो चलिए जानते हैं इसके प्राइस क्या है। हमारे यहाँ अपने सिटी में इसका प्राइस है 1,05,000 रुपया, और अलग अलग सिटी में इसका और प्राइस में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि वहाँ का परिवहन चार्ज अलग अलग रहता है। तो इसके कारण इसके ऑन रोड प्राइस में 2000-3000 का ऊपर नीचे हो सकता है, पर इसमें 1,05,000 के आसपास ही इसको मानते हैं, क्योंकि हम लोग 1,05,000 से 7,000 के बीच में ही ख़रीदे हैं। तो इसका ऑन रोड प्राइस है 1,05,000 रुपया। तो अगर आप फाइनेंस कराते हैं तो इसमें 5,000 का फाइनेंस प्रोसेसिंग चार्ज देना पड़ता है। अगर आप फुल पेमेंट में लेते हैं तो 1,05,000, और फाइनेंस कराते हैं तो 5,000 का फाइनेंस प्रोसेसिंग चार्ज देना पड़ेगा। तो बाइक का टोटल प्राइस हो जाता है 1,10,000। अगर आप इसमें डाउन पेमेंट करते हैं 50,000 का, तो इसका लोन अमाउंट बचता है 60,000। 60,000 में 1 साल का इंटरेस्ट जोड़ते हैं, 9.7% का इंटरेस्ट सालाना, तो 5,820 रुपये का इसका इंटरेस्ट बनता है ब्याज 1 साल का। तो इसमें आपका 60,000 लोन अमाउंट और 5,820 रुपये का ब्याज टोटल हो गया 65,820 रुपया। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, भागित करते हैं 5,000 12 महीनों में, तो 5,485 रुपये का आपका मंथली किस्त निकल कर आता है। तो अगर आप इसे 1 साल वाले प्लान में जाते हैं तो 5,485 रुपये का मंथली किस्त बनता है EMI। अगर आप इसे 2 साल वाले प्लान में जाते हैं सेम डाउन पेमेंट 50,000 में, तो 60,000 आपका लोन अमाउंट बचेगा। इसमें आपका 2 साल का इंटरेस्ट बन जाता है 11,640 रुपया, तो टोटल हो जाता है 71,640 रुपया। इसमें आपका मंथली किस्त बनकर आता है 2,985 रुपये का मंथली किस्त आपको 24 महीनों के लिए पे करना होगा। तो ये रही होंडा SV125 की फाइनेंस की जानकारी, मंथली किस्त, डाउन पेमेंट और इंटरेस्ट ब्याज की जानकारी, छोटी सी जानकारी। कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे CG मोटर्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप इसकी पूरी जानकारी और डिटेल से जानना चाहते हैं अलग अलग डाउन पेमेंट के हिसाब से, जैसे कि 50,000, 30,000, 35,000, 60,000, तो ये हमारे वेबसाइट cgmotor.in पर आप विजिट करके देख सकते हैं। इसमें आपको बाइक से रिलेटेड, कार से रिलेटेड अधिक जानकारी मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।